जी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है वो हमारा पहला टॉपिक है इस कोर्स का। अब इसमें हमें क्या आना चाहिए? नंबर वन, हमें प्रोफाइल बनानी आनी चाहिए। एंड नंबर टू, प्रोफाइल तो बहुत सारे लोगों की हो सकती है। जैसे अभी मैं यहाँ पर लिखूँ कि बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, तो क्या होगा? तीन बिजनेस नज़र आएंगे पहले, और फिर एक मोर का बटन बना होगा। जब हम उस पर जाएंगे तो उसमें और बिजनेस भी नज़र आ रहे होंगे। लेकिन जब कोई व्यूअर देखता है बिजनेस को, तो वो कभी भी मोर के बटन को नहीं दबाता अंटिल कि वो किसी खास को ढूंढ रहा हो। अगर वो किसी खास को ढूंढ रहा हो और वो पहले तीन में नज़र ना आए, तो मोर का बटन दबाएगा। ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्टिमाइजेशन तो ये है कि हमें पहले तीन में आना चाहिए। सो हमने ये स्किल्स सीखनी है कि हम किस तरीके से पहले तीन में आ सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं ये हम सीखेंगे। भाई अभी जूस कॉर्नर वाले की एक ही दुकान अगर दूसरा खोलेगा ही नहीं है, मुकाबला करेगा ना? इसी को तो बिजनेस कंपटीशन बोलते हैं। वो कंपटीशन करेगा ना, वो अपनी साइड पे बैठ के लगा हुआ है, हम अपनी साइड पे बैठ के लगे हुए हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है तो कभी वो ऊपर आ जाएगा, कभी हम ऊपर आ जाएंगे। ऐसे ही है ना, ये चीज़ें चलती रहेंगी हमारे साथ उसके। अच्छा, यानी एक तो ये कॉन्टेंट हमारा हो गया। ठीक है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली है अगर हम देखें, तो वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। उसकी वजह क्या है कि आप जब भी मैप पर जाते हो तो वहाँ पर एक बटन बना होता है जिस पर लिखा होता है कॉल, है ना? एक बटन लिखा होता है बना होता है जिस पर लिखा होता है वेबसाइट, और एक बटन बना होता है जिस पर लिखा होता है डायरेक्शन। ठीक है। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एक यूज़र की एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। जिसने कॉल करनी होती है वो भी वहीं पर क्लिक कर देता है, जिसने वेबसाइट देखनी होती है वो भी वहीं पर क्लिक कर सकता है, जिसने पर्सनल विजिट करना हो वो डायरेक्शन पे क्लिक करेगा तो उसको डायरेक्शन आनी शुरू हो जाएगी। इस वजह से ज़्यादा लोग जो हैं वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल को, यानी कि गूगल मैप से जाकर किसी बिजनेस को लोकेट कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही, और ये फ्री टूल है हमारे पास। मतलब यहाँ तक आने के लिए आपको कोई पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये पेड मार्केटिंग नहीं है, ये अनपेड मार्केटिंग है। हाँ, अब हमें यहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनानी है। ये आपके रिव्यूज़ पे भी मैटर करता है, और आप कितना फ्रीक्वेंटली अपना फ्रेश डाटा लोगों को दिखा रहे हो। यानी आपकी एक शॉप है तो आप कितना फ्रीक्वेंटली लोगों को दिखाते हो, अपनी चीज़ें बताते हो, अपने कारोबार के मुताबिक लोगों को बताते हो, उनकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हो, देखो उसे क्या चाहिए, तो उसी तरह की इंफॉर्मेशन आप उस पर लगा रहे हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक पार्ट है हमारा। ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या आ जाता है? फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, लिंक्डइन पेज, इसी तरह फिर एड्स, और एड्स फेसबुक पे भी चलते हैं, इंस्टाग्राम पे भी चलते हैं कि हमें एडवर्टीजमेंट किस तरीके से करनी है, फेसबुक एड्स कैसे चलाने हैं, और फेसबुक एड अकाउंट कैसे बनता है, और अगर वो सस्पेंड होता है तो किन रीजंस की वजह से वो सस्पेंड होता है, सो हम उन्हें कैसे अनसस्पेंड करा सकते हैं। इसी तरह गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी सस्पेंड हो सकती है, उसको भी अनसस्पेंड करने का तरीका होता है। ठीक है। तो एक दूसरा मॉड्यूल ये वाला आपका। अब अगर हम सिर्फ दो मॉड्यूल की बात करें तो ये दोनों ही काफ़ी वाइडली ओपन मॉड्यूल्स हैं, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक अलग से फील्ड है और गूगल बिजनेस प्रोफाइल अलग है। लेकिन इसके अंदर फिर हमारा एक मॉड्यूल और भी है जिसे हम बोलते हैं वेबसाइट SEO, कि अपनी वेबसाइट्स को रैंक करना। लेकिन इसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा वेबसाइट्स बनाने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है। सो वो हम इस कोर्स में ले लेते हैं ताकि हमें वेबसाइट एडिट करनी है। तीसरा मॉड्यूल हो गया ये वाला। ठीक है। इसके बाद इसमें एक हमारा मॉड्यूल और है, वो है गूगल एड्स। गूगल एड्स के पहले हम बात कर रहे हैं फेसबुक एड्स की बात की, सोशल मीडिया एड्स हो रहे हैं और गूगल एड्स हो रहे हैं। गूगल एड वो है जो आपको सर्च इंजन पर नज़र आता है, गूगल एड वो है जो आपको वेबसाइट पर नज़र आता है या यूट्यूब पर नज़र आता है। ठीक है। ये सारे के सारे गूगल एड्स हैं। मतलब इसकी टाइप्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं सर्च ऐड, एक को हम बोलते हैं डिस्प्ले ऐड, और एक को हम बोलते हैं वीडियो ऐड। सर्च ऐड का मतलब क्या है कि गूगल के ब्राउज़र पर जाकर आपने कुछ सर्च किया तो चीज़ें जो सबसे ऊपर आ जाता है ना, जिसके साथ ऐड लिखा होता है, वो सर्च ऐड होता है। जो ऐड होते हैं नहीं, नहीं प्लेटफॉर्म वाले क्यों लगाते हैं? हम लगाते हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड लगता है। ठीक है। लेकिन ऐड आप भी लगा सकते हैं, मैं क्या आप खुद भी लगा सकते हैं, वीडियो में भी लग सकता है, वो भी हम खुद लगा रहे होते हैं। ठीक है। हाँ जी, आपकी वीडियो पे अगर 100 से ज़्यादा व्यूज़ होने शुरू हो जाएं, पहले ये होता था
अभी आपको जो ऐड आपकी वीडियो पे लग रहा है उसमें अर्निंग, अभी उन्होंने साइन किया तीसरा मॉड्यूल, अभी वीडियो की बात बाद में करते हैं क्योंकि इस मॉड्यूल पर भी हम आए नहीं है, ठीक है, इसके बाद मैं इसको डिस्कस करता हूँ आपसे। तो गूगल एड्स भी आपके कोर्स में शामिल है कि गूगल एडवर्टीजमेंट आपने कैसे किया, ठीक है, और ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं ऐसी हैं जो कि थ्योरेटिकल नहीं है, ये सब का सब प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे आपको ये चीज़ें नहीं आ सकती, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है कि मैं कोई गूगल ऐड की 50 स्लाइड्स आपको पढ़ा दूँ और आप लोगों को गूगल ऐड आ गया, आपको सोशल मीडिया की स्लाइड्स पढ़ा दूँ, हमने सारा टास्क जो है ना वो प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। ये मैं बिल्कुल ऐसे ही लेक्चर देता हूँ, मैं गूगल ऐड पढ़ाऊँगा तो गूगल ऐड अकाउंट खोल दूँगा, फेसबुक ऐड पढ़ाऊँगा तो फेसबुक ऐड अकाउंट खोलूँगा, सब कुछ हम लाइव कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा जो इसका मॉड्यूल, आखिरी जो मॉड्यूल इसका रह गया वो है यूट्यूब, यूट्यूब चैनल बनाना, ऑप्टिमाइज करना, वीडियोज़ बनाना, ऑप्टिमाइज करना, ठीक है, ये भी इसमें शामिल है। और मोनेटाइजेशन क्या होती है, ठीक है, इसको भी हम इसमें देखेंगे। और गूगल के जो ऐड के अकाउंट्स होते हैं, एक एडसेंस का अकाउंट होता है और एक गूगल ऐड अकाउंट होता है, ठीक है। गूगल ऐड अकाउंट का मतलब होता है कि हम गूगल को पैसे देकर एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहता हूँ डिजिटली गूगल के प्लेटफॉर्म पर, चाहे तो सर्च ऐड में ऐड लगाऊँ, चाहे तो यूट्यूब पर ऐड लगाऊँ, चाहे तो वेबसाइट्स पे ऐड लगाऊँ, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैं पैसे खर्च रहा हूँ रोजाना 1,000 रुपया, 500 रुपया, 10,000 रुपया, ये गूगल ऐड के थ्रू मैं खर्चूंगा, ये पैसे मैं गूगल वालों को दे रहा हूँ। अब गूगल वाले क्या कह रहे हैं, इसी ऐड को किसी प्लेटफॉर्म पर लगा रहे हैं, या तो वो यूट्यूब पर लगाते हैं, या वो वेबसाइट पर लगाते हैं, या सर्च ऐड पर लगा रहे होते हैं, ठीक है ना। सर्च ऐड पर तो जो लगा रहे हैं, सर्च इंजन पर जो लगा रहे हैं, वो तो टोटल उनकी इनकम है, उसमें तो कोई पार्टनर नहीं है ना उनका, गूगल सर्च पार्टनर का, गूगल में तो कोई पार्टनर नहीं है। लेकिन अगर वो जियो की वेबसाइट पे इश्तिहार लगाते हैं, उर्दू पॉइंट पे इश्तिहार लगाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनर दो हो गए, एक गूगल हो गया और एक वो बंदा हो गया जिसकी वेबसाइट पे इश्तिहार लग रहा है। सो इसमें अबाउट 66% जो होता है ना वो गूगल अपने पार्टनर्स को देता है, जो उसके पार्टनर, और बाकी अपने पास रखता है, लेकिन उसका उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अगर हम यूट्यूब की बात करें, 4,000 hours, 1,000 सब्सक्राइबर्स, लेकिन आपकी अर्निंग तो आपने ये क्राइटेरिया तो मीट कर लिया कि भाई आपके ऐड लग जाएंगे, लेकिन आपको पैसे कैसे आ रहे हैं, कम से कम 1,000 व्यूज़ पर आपको $1.5 से $2 आते हैं। अगर आपके डेली व्यूज़ 1,000 पे चल रहे हैं तो आपको $1 से $2 की अर्निंग होती है। अब मिसाल के तौर पर आपने अपना चैनल मोनेटाइज करवा लिया हुआ, सब कुछ है, फाइन, आप बड़े खुश हैं ना, अब तो इश्तिहार लग रहा है मेरा, और आपके डेली व्यूज़ जो हैं वो 20 हैं या 100 हैं या 200 हैं, तो आपका चैनल तो मोनेटाइज है, ठीक है, लेकिन उससे आपको अर्निंग नहीं हो रही है। इसलिए हमें सबसे पहला स्टैंडर्ड क्या बनाना है कि हमें अपने डेली व्यूज़ को इंक्रीज करना है। हमें ये नहीं होना चाहिए कि अभी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए या हमारे 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाए, मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। हमारा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए कि भाई मैंने आज चैनल बनाया तो पहले महीने में मेरे व्यूज़ अगर 50 हैं तो दूसरे महीने में मेरे व्यूज़ 200 ज़रूर होने चाहिए, तीसरे महीने में मुझे 500 व्यूज़ पर आ जाऊं, और 6-8 महीने पुराना मेरा चैनल हो गया तो क्या मैं 3,000-4,000 व्यूज़ ले रहा हूं डेली। इसका मतलब है अब मुझे खुश होना चाहिए कि अब जब मैं मोनेटाइज होगा तो इसका मतलब है कि मेरी इनकम भी होगी। ये चीज़ें हम अलग हैं, ये जिस जिस मॉड्यूल में जाएंगे उसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये वाला जो अकाउंट है, अब दूसरा अकाउंट कौन सा है, एक गूगल ऐड था ना जिससे पैसे दे रहे थे हम, अब एक वो अकाउंट है जिसमें हमें पैसे आ रहे हैं। अगर हम उसी गूगल ऐड वाले सीन को ही देखें तो वो पैसे किसी को दे रहे हैं ना अपने पार्टनर को, तो वो बेसिकली उसको आ किस तरह रहे हैं, गूगल एडसेंस के अकाउंट से। यानी आप जब मोनेटाइज करवाओगे, चाहे अपनी वेबसाइट करवाते हो चाहे चैनल करवाते हो, तो फिर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बनेगा, उसके अंदर सारा रिकॉर्ड होगा कि भाई आपको पैसे कैसे आ रहे हैं। अब आपकी व्यूज़ मिल गए 100 से ज़्यादा, लेकिन आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं है, तो अब यूट्यूब वालों का नया क्राइटेरिया क्या है, और अभी एक और क्राइटेरिया पे ये काम कर रहे हैं। वो किस क्राइटेरिया पे काम कर रहे हैं, कहते हैं कि जो सब्सक्राइबर्स की लिमिट 1,000 है ना, शायद इसको आने वाले वक्त में वो 10,000 कह रहे हैं कि भाई जो बंदा सब्सक्राइब करवाना चाहता है, मतलब मोनेटाइजेशन करवाना चाहता है, उसकी मिनिमम लिमिट 10,000 सब्सक्राइबर होगी। इस पर अभी वर्किंग हो रही है, अभी इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। क्या बात कर रहा था इससे पहले, एडसेंस अकाउंट, ठीक है। तो अब आपने जब आपको लग गया, अब जैसे ये कह रही है कि मेरे
चैनल पे इश्तहार चलने शुरू हो गए, तो एक जनरल सा आइडिया है कि इसका तो मतलब है कि हमें कुछ पैसे आने लगे। लेकिन जब तक आपका चैनल मोनिटाइज नहीं है आपको उस अर्निंग में से कुछ नहीं मिलेगा, हालांकि अर्निंग हो भी रही है, वो अर्निंग जाएगी डायरेक्ट यूट्यूब को, ठीक है। 100% यूट्यूब उस वक्त तक लेता रहेगा जब तक आपका चैनल मोनिटाइज नहीं हो जाता। इवन आपका चैनल मोनिटाइज हो गया, अब आपके डेली व्यूज भी इतने अच्छे नहीं है, मगर फिर भी इश्तहार लग रहे हैं आपके चैनल के ऊपर, फिर भी इश्तहार लग रहे हैं, तो अब वो जितना भी पार्ट आपका वो आपको मिल रहा होगा। लेकिन क्योंकि आपके व्यूज 20-50 हैं तो वो आपकी तो इनकम ही नहीं बनती उसमें, ठीक है। ये था हमारा कोर्स इन शॉर्ट, ये हमारा कोर्स है, ठीक है, जो कि हमने इसमें पढ़ना है और इसको हमने शुरू करना है, स्टार्ट करना है हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल से, यानी कि हमारा जो स्टार्टअप है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल से होगा, ठीक है। अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनानी है, सबसे पहली बात ये है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनेगी, ठीक है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप बना सकते हो मोबाइल से भी और सिस्टम से भी, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा अपने मोबाइल से प्रोफाइल क्रिएट करें। उसकी वजह क्या है कि मोबाइल के ऊपर लोकेशन ज़्यादा अच्छी आती है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप पीसी या लैपटॉप, ठीक है। तो जब आपने मोबाइल क्रिएट करनी है ना प्रोफाइल, मोबाइल से बनानी है आपने, जब उसको ऑप्टिमाइज़, यानी आपने जब भी काम करना है, यानी मैं किसी बंदे से कहूँ भाई आपने यूट्यूब की वीडियो ऑप्टिमाइज करो, तो मुझे स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं सर मोबाइल पर कर लें, तो जब मोबाइल पर इतनी छोटी स्क्रीन पर आओगे तो आपको सारी ऑप्शन का भी समझ में नहीं आएगा। तो आपने जब कोई डिटेल्ड काम करना होगा तो आपको हमेशा किस पे आना चाहिए, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे। लेकिन सर मैं प्रोफाइल बनाने के लिए कह रहा हूँ कि आपने मोबाइल पर आना, ठीक है। अब प्रोफाइल बनाने की बात हो रही है तो प्रोफाइल बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो डिसाइड ये करना पड़ेगा कि हमें प्रोफाइल किसकी बनानी है, ऐसे ही है ना कि जब तक आपके पास कोई बिजनेस होगा तभी प्रोफाइल बनेगी ना, अगर आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो तो आप प्रोफाइल किस चीज़ की बनाओगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें प्रोफाइल कौन सी बनानी है, बिजनेस क्या है। तो मैं स्टूडेंट से कहता हूँ अगर आपका कोई बिजनेस भी नहीं है तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो कर ही रहे हैं, तो आपने डिजिटल मार्केटिंग को ही अपना बिजनेस बना लेना कि हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं। और लाजमी बात है कि टाइम टू टाइम आप काफ़ी सारी स्किल्स सीखते जाओगे, जैसे अभी हम पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना सीख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली स्किल तो प्रोफाइल बनाने की अपनी ऑफर कर सकते हो कि जनाब हम प्रोफाइल बना कर दे रहे हैं, पैसों की बना रहे हैं या फ्री बना रहे हैं, ये अभी हम बात इसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहला टास्क क्या हुआ हमारा, प्रोफाइल क्या करें, हम प्रोफाइल बनाए। अच्छा आप प्रोफाइल बननी कैसे है, मतलब मेरा ये दफ्तर है, ठीक है, मैं इसकी प्रोफाइल बनाना चाह रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं मैं किस जगह पे बैठा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता, इधर बैठ के ये नहीं पता लग रहा कि हमारा मेन गेट इस तरफ है, इस तरफ है, किस तरफ है गेट, जहाँ हम बैठे हुए इधर से गेट किधर है, सामने में। अच्छा ये सामने हमारा गेट है, अब एक दीवार इधर लगी हुई है, एक दीवार इधर लग रही है, एक दीवार उधर लग रही है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ बैठ कर अपनी लोकेशन बना दूँ और कोई बंदा मुझे अहमदाबाद से मिलने आ रहा हूँ और उसको मैं लोकेशन सेंड कर दूँ, अब मुझे नहीं पता कि मेरी लोकेशन इस वक्त यहाँ से टारगेट हो रही है, वहाँ से टारगेट हो रही है, वो जो नया बंदा आएगा वो यूँ घूमता रहेगा, ऐसे ही है ना, एग्जैक्टली मेरी एड्रेस पर नहीं पहुँच सकता। मेरे कहने का क्या मतलब है कि आपने जब लोकेशन बनानी है हमेशा दरवाजे पर खड़े होकर बनानी है, जो आपका एंट्रेंस पॉइंट है ना वहाँ पर आपने, यानी कि अपना मोबाइल पकड़ लेना हाथ में, और अगर आपने अपने क्लाइंट की भी बनानी है तो इसी तरह बनाए, ताकि एग्जैक्ट लोकेशन आए, कोई बंदा बाइट से आप किसी को लोकेशन भेजे तो वो आपके दरवाजे पे आके रुके और उसको कहे, गूगल उसको कहे जनाब लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर आपकी लोकेशन जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अक्सर ऐसे होता है कि हम किसी लोकेशन को फॉलो करते हैं तो हम करीब जाके फंस जाते हैं या उनके एंट्रेंस पर नहीं पहुँचते, इसलिए कि उन्होंने दफ्तर में बैठ के अपनी लोकेशन बनाई होती है, अपने किसी कमरे में बैठ के, ठीक है, तो कमरे के साथ लोकेशन बन जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपने जिस जगह से लोकेशन बनानी है वो आपकी मेन एंट्रेंस होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी आपको लोकेशन बनानी सिखाऊंगा तो आपने पीक स्टेशन में तो लोकेशन बनानी भी नहीं है, किसी है ना, सबने अपनी अपनी लोकेशन बनानी है। अब कैसे बनानी है, आपको अपनी लोकेशन एज ए डिजिटल मार्केटर बनानी है, तो आपने अपने घर जाके बनानी है, आपने अपने घर जाके बनानी है, आपने अपने घर जाके बनानी है। अगर कोई बंदा कहेगा प्राइवेसी की वजह से मैं नहीं बनाना चाहता तो सीखेगा कम वो, ठीक है। नंबर टू, दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात यह है कि आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग की तो बनानी है, आपको आपका लगता है आपका कोई दोस्त बिजनेस कर रहा है किसी भी चीज़ का, उसकी शॉप है, ऑफिस है, कोई भी चीज़ है, लेकिन उसने बड़ा अच्छा बिजनेस भी कर रहा है, ऑन शॉप बिजनेस उसका अच्छा है, लेकिन वही है जो लोग चलते फिरते उसके पास आते हैं, लेकिन उसने अभी तक अपनी बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनाई,
अच्छा उसको भी देखते हैं, अभी बात को आगे लेते चलते हैं, ठीक है, एंड पे देखेंगे, क्लास के एंड पे उसको देखेंगे। तो आप उनकी प्रोफाइल बना सकते हैं, किसी और की बना सकते हैं प्रोफाइल, ठीक है। लेकिन किसी और की प्रोफाइल का मतलब क्या है कि जैसे मैं प्रोफाइल बनाता हूँ लोगों की, तो इसका मतलब है वो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, तो मैं उनकी चीज़ों को एक्सेस कर लेता हूँ। तो आपको उसकी प्रोफाइल अपने मोबाइल से तो नहीं बनानी, आपको उसकी प्रोफाइल, क्योंकि आपकी एक और बात याद रखनी है कि आपकी जो मोस्टली चीज़ें हमारी जो बनती हैं उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो मोबाइल नंबर होती है, ऐसे ही है ना। अगर आप फेसबुक अकाउंट बनाते हो तो उसकी आइडेंटिटी मोबाइल नंबर होती है, यानी ईमेल को भी वो इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करता। लेकिन गूगल की जो आपकी प्रोफाइल बन रही है वो उसकी आइडेंटिटी आपका जीमेल अकाउंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज मैंने अगर किसी को सीखने के दौरान प्रोफाइल बनाकर दे दी और उसके बाद मैं डिसअपियर हो गया, 6 साल के बाद उसने कहा यार मेरी प्रोफाइल का मैं इसको चलाता हूँ, उसको भी नहीं पता मैंने किस जीमेल पे बनाई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी प्रोफाइल को भी क्लेम नहीं कर सकता, इसलिए कि उसके पास अपना जीमेल अकाउंट नहीं है। सो ये बहुत अहम बात है कि हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हम जिस मोबाइल से बना रहे हैं उस मोबाइल पर कौन सा जीमेल अकाउंट कनेक्ट हुआ है, और हमने उसे नोट डाउन कर लेना है कि भाई मैंने अपने बिजनेस की जो प्रोफाइल थी वो इस अकाउंट से बनाई थी, ठीक हो गया। तो अब आपने प्रोफाइल कैसे बनानी है, यानी कि मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, आपने बनानी है अपनी लोकेशन पर जाकर। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रोफाइल लाइव भी हो जाए, ठीक है। प्रोफाइल लाइव कब होगी, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैंने जनाब अपना दफ्तर खोल लिया सदर में किसी जगह पर, तो मैंने सदर में दफ्तर खोला, सेट शिफ्ट किया, तो मैं इसकी प्रोफाइल भी बना लेता हूँ, तो मेरी फिजिकल लोकेशन तो है ना, मैं एग्जिस्ट करता हूँ फिजिकली, मैंने बोर्ड भी लगाया अपने दफ्तर के बाहर, तो मैंने डोर पे खड़े होकर प्रोफाइल बनाई, तो होपफुली मेरी प्रोफाइल बन जाए। लेकिन अगर मैंने किसी ऐसे ही, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई फेक सी प्रोफाइल बना लूँ, तो गूगल उसे अब रिसेंट डेज में पिक कर लेता है और उसको सस्पेंड कर देता है। और जब वो सस्पेंड करता है तो फिर हमें प्रूव करना पड़ता है कि ये वाला बिजनेस फिजिकली एग्जिस्ट करता है। वो कैसे प्रूव करना पड़ता है, जिसमें मैं ये कहता हूँ, अब एक साइंस और बताता हूँ आपको। वो साइंस क्या है, वो साइंस ये है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, ये साइंस OLX वाले भी यूज़ करते हैं। OLX वाले किसी का पेड ऐड लगाते हैं ना, वो कहते हैं भाई एक जगह से ना लगाएं, पेड ऐड की बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ लोकेशन से लगाएं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब वो OLX का ऐड देखते हैं तो जिस लोकेशन का बंदा होता है ना उसको उस लोकेशन का ऐड नज़र आता है, हालांकि वो किसी एक जगह पर बैठ के काम कर रहा होता है। अच्छा, इसी तरह अब कई लोग कहें क्या करते हैं, मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का मैंने ऑफिस, मेरा मेन ऑफिस मैं कहता हूँ जी सदर में है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा जो क्लाइंट है वो लोअर माल से भी जनरेट हो सकता है, जोहो टाउन से भी जनरेट हो सकता है, DHA से भी जनरेट हो सकता है। लेकिन कोई भी बंदा अगर जोहो टाउन में बैठ के लिखेगा कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नियर मी, तो उसे सदर वाला बंदा तो नज़र नहीं आएगा कभी भी, उसको तो जोहो टाउन में जितने डिजिटल मार्केटर्स बैठे होंगे पहले वो टॉप पर नज़र आ जाएंगे, क्योंकि उसने नियर मी की टर्म लगा दी। इसी तरह जो बंदा डिफेंस में बैठ के करेगा उसको डिफेंस के लोग नज़र आ जाएंगे। तो फिर इसका हल क्या है मेरे पास, इसका हल ये है कि मैं मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपनी प्रोफाइल बना लेता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक अलहदा मोबाइल नंबर, एक अलहदा से लोकेशन होनी ज़रूरी है। पहले ये काम बड़े आसान होते थे, गूगल को भी पता लग रहा था, अब गूगल को ये सारी बातों की समझ आ जाती है, ठीक है, उसको वो पिक कर लेता और वो आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड करता है, और सस्पेंड करने के बाद कहता है कि जनाब अगर आप वाकई एग्जिस्ट करते हैं तो आ जाए मैदान में और साबित करें कि आप रियल हैं, ठीक है। अब वो रियल कैसे हैं, मसलन मैं, वो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का दफ्तर, फिजिकल दफ्तर मेरा सदर में है, उधर मेरा फिजिकल दफ्तर नहीं है, यानी मैं किसी दोस्त के ऑफिस में बैठ के ये लोकेशन बना दी, या मैं कहीं भी नहीं बनाई, उधर गया मैं पैकेजेस मॉल में, शॉप भी नहीं ली हुई मैंने पैकेजेस मॉल में, लेकिन पैकेजेस मॉल में खड़े होकर मैंने एक शॉप की लोकेशन बना दी। अब जब वो प्रूफ के मांगेंगे मुझसे तो मुझे कहेंगे जी आप इस तरह करें, अपनी शॉप के बाहर आएँ, ठीक है, और इसकी वीडियो बनाएं, अंदर आएं, आप गारमेंट्स बेच रहे हैं तो मुझे दिखाएं ज़रा गारमेंट्स कहाँ पर हैं आपकी, और मैं कहूँगा मैं कॉलेज चला रहा हूँ सपोज यहाँ पर, तो मुझे कहेगा ठीक है आप बाहर आएँ, मुझे अपने कॉलेज का बोर्ड दिखाएं, प्रिंसिपल ऑफिस दिखाएं, मेन ऑफिस दिखाएं, क्लासरूम्स दिखाएं, लैब दिखाएं। अगर मैं ये सब कुछ उसे दिखा पाता हूँ तो मेरी लिस्टिंग रिस्टोर होगी, नहीं तो वो सस्पेंड ही रहेगी। लोकेशन भी ऑन होगी और वीडियोज भी ऑन होगी, ठीक है। आपके कहने का मतलब है कि वो लोकेशन दिखा रहे हैं, नहीं नहीं, लोकेशन आपकी ऑन होगी और वो ये कहेगा कि आप बाहर खड़े होकर दिखाएं, बाहर से एंट्रेंस एंटर करते हुए आप अंदर की तरफ को जाएं। और अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं फोटोशॉप कर लूँगा, फेक लोकेशन ऐप से अगर आपकी लोकेशन नहीं, वो पकड़
गूगल को पता लग जाएगा, ठीक है। जब वो वेरिफिकेशन मोड में चला गया ना, हो सकता है वो सिर्फ ये वेरिफिकेशन ना मांगे, उसके बाद उसकी अगली वेरिफिकेशन ये भी हो सकती है कि अपने डॉक्यूमेंट्स भी मुझे दे। मतलब आपका ये बिजनेस है क्या, रजिस्टर्ड बिजनेस है? आप कहेंगे नहीं है रजिस्टर, कहेगा ओके कोई बात नहीं है, आप एनटीएन नंबर अपना दे दीजिए, आप अपना यूटिलिटी बिल दें इस लोकेशन पर, जिस लोकेशन पर आप, आप अपना आईडी कार्ड मुझे दें। अब ये डॉक्यूमेंट्स भी वो मांगना शुरू हो गया आपसे। लेकिन ये इतने मिसाइल को देख के हमें परेशान नहीं होना, ये मिसाइल सिर्फ उन लोगों के लिए जो फेक हैं, जो जेन्युइन है। मतलब किसी एक कंपनी का एक दफ्तर है भाई, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक कंपनी का एक दफ्तर है। नहीं है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ये, इसको हम फेक कैटेगरी में लाएंगे ना फिलहाल। अगर आप कह रहे हैं मेरा दफ्तर नहीं है, जिसका मतलब तो फेक कैटेगरी में आएगा। और एक तरीका ये है कि आप कहते हैं कि यार मैं यूँ करता हूँ, अपने घर के बाहर एक बैनर सा लगा देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है, और घर में बैठ के मैं सर्विसेज भी देने लगा हूँ, कोई बंदा मुझे कॉल करता है तो मैं उसको रिस्पॉन्ड भी करता हूँ, तो इसका मतलब है कि आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको लेकिन गूगल, अच्छा गूगल का एक और वेरीफिकेशन भी होती है, एक टेक्निकल तरीके से भी मुझे वेरीफाई कर सकते हैं। वो कैसे? मैं एक जगह बैठा हूँ, ठीक है, मैं होम बेस सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मेरा क्लाइंट जो है ना मुझे मेरे घर में मिलने आता है, वहाँ पर मैंने एक ऑफिस बनाया था। तो मैं, मेरे जब लोग मुझे मिलने आते हैं क्लाइंट्स, तो कई लोगों को मेरे एड्रेस का पता भी होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं उनको ना लोकेशन भेजता हूँ। तो मैं उन्हें लोकेशन भेज के कहता हूँ कि भाई आपने जब भी मेरे घर आना है, बेसिकली आ तो वो मेरे ऑफिस में रहे हैं, मैंने कहता हूँ जब भी आपने मेरे घर आना है आपने इस लोकेशन को फॉलो करते हुए आना है, और जब लोकेशन एंड हो, जो आखिरी स्टेप लोकेशन का होता है, उस पर जाकर आपने बात खत्म करनी है। अब वो क्या रहा है, गूगल के पास क्या डाटा जा रहा है कि लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं गूगल के ऊपर, इस तरह करने से भी आपकी लोकेशन। हाँ, ये अगर आप करेंगे तो गूगल को लगेगा कि ये कोई फिजिकल लोकेशन है और लोग इस लोकेशन पर जा रहे हैं। इसके बाद अगर हमने अपनी वेबसाइट अप्रूव करा ली गूगल से, ये भी हमारे कोर्स में शामिल है कि वेबसाइट कैसे अप्रूव होती है, ठीक है। सो अगर हमने गूगल से एक अपनी वेबसाइट अप्रूव करा ली और वो वाली वेबसाइट, अप्रूव वेबसाइट हम अपनी लोकेशन पे ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, गूगल को फिर लगा कि हम अप्रूव, ठीक है, फेक नहीं है, उससे भी वो हमें अप्रूव कर देगा। यानी हमारे पास बहुत सारी साइंसेज हैं जिनके थ्रू हम अपनी लोकेशन को अप्रूव कराएंगे। और अगर कोई नया बिजनेस होगा, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मेरे मोहल्ले में एक बेकरी है जहाँ से मैं रोज़ाना सामान खरीदता हूँ, और मैंने देखा भाई वो बंदा तो उसने तो प्रोफाइल ही नहीं बनाई, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए उसकी प्रोफाइल बना दी, तो उसकी प्रोफाइल फेक तो नहीं है, वो तो फिजिकली है भाई। मैं उसकी दुकान के बाहर बोर्ड की तस्वीर भी ले सकता हूँ, मैं उसके अंदर सामान की तस्वीर भी ले सकता हूँ, वो जहाँ पर खड़ा होकर सेल कर रहा है मैं उस बंदे की तस्वीर भी ले सकता हूँ, मैं कस्टमर की तस्वीर भी लेकर दे सकता हूँ, तो गूगल उसे फेक तो कभी भी नहीं कहेगा, ठीक है। इस तरीके से काम करके आप अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। एक बात याद रखें कि अगर आप इसको एज ए कोर्स समझ के करें और चीज़ों को पढ़ते जाएँ और कोर्स एंड हो जाए, और आप फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है इस कोर्स का। मतलब इट्स लाइक ए सर्टिफिकेट, मतलब आप इसको इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकेंगे। आपको इसको इम्प्लीमेंट ऐसे करना है जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप भाई ज़ोर ज़बरदस्ती जिस जिसको जानते हैं ना, ऐसे ज़बरदस्ती इसकी प्रोफाइल बनानी शुरू हो जाए पैसे लिए बगैर। तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो आपका एसेट बन रहा है। यानी आपको जब किसी का प्रोफाइल का बिजनेस मिलेगा तो आप उसको बताएंगे कि जनाब आप ये वाली प्रोफाइल देखें, आप ये प्रोफाइल देखें, ये मेरी बनाई हुई प्रोफाइल, ठीक है। इसमें आपको फ़ायदा होगा। अगर आप फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं और आप लोकल बिजनेस नहीं कर रहे, आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं? आपका बिजनेस ही नहीं है फाइबर पे भी, तो भाई वो आपसे यही कहेगा ना, क्या करते हो, क्या किया हुआ दिखाओ मुझे, काम मांगेगा ना आपसे। देखें एक बंदा जो है फाइबर पे पहले से बैठा हुआ है और उसके 1000 रिव्यूज़ हैं या 2000 रिव्यूज़ हैं, ठीक है, उसके ऑर्डर्स हम देख रहे हैं जनाब, इस वक्त वो 10 ऑर्डर्स पे काम करने लगा हुआ, 20 ऑर्डर उसके चलने लगे हुए हैं, और हम उधर आ गए, ना हमारा रिव्यू कोई है, ना हमारा पोर्टफोलियो बना हुआ है, ना हमें कोई ऑर्डर मिल रहा है, कि आपको लगता है आपको कोई ऑर्डर देगा उधर? कभी भी नहीं देगा, मिल ही नहीं सकता। अब आपको पहले लोकल बिजनेस करना है। लोकल बिजनेस करने का फ़ायदा ये है कि जब आप पोर्टफोलियो अपना बनाओगे, आप अपना सारा बिजनेस दिखाओगे कि भाई ये मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, फिर आप एक अच्छी ऑफर लगाओगे तो आपको फ्रीलांसिंग में बिजनेस मिलने के चांसेस हैं। सो पहला स्टेप क्या है, फ्रीलांसिंग करें, फ्री लोकल लांसिंग करें, ठीक है ना। मैंने कहा फ्री लोकल लांसिंग। लोकल लांसिंग का क्या मतलब है, जिसको भी जानते हो ना, जो जो कुछ सीख रहे हो उसके ऊपर तजर्बे करो, जिसको भी जानते हो, और उससे पैसे ना लो। अगर आप डिज़ाइनर हैं, जैसे आपने कहा हम डिज़ाइनिंग जानते हैं, तो लोगों की सोशल मीडिया पोस्ट बनाएं, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएं, पैसे ना लें उससे। आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, जब आपको सोशल मीडिया का बिजनेस चाहिए होगा
तो आप किसी को बता सकते हैं कि जनाब आपने मेरा काम देखना है, तो आप इस पर लिंक भेज सकते हो ना, URL भेज सकते हो कि ये डिज़ाइन मैंने बनाए हुए हैं। तो जब कोई बंदा आपका डिज़ाइन देखेगा तो वो आपको बिजनेस देगा, पूरी तौर पर बिजनेस देगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं आगे। अब हमने प्रोफाइल कैसे बनानी है जी, अगला सवाल ये। हाँ जी जी, कैसे बनानी है प्रोफाइल? गूगल में आ जाए। मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ, आपके मोबाइल पर नेट नहीं चल रहा, क्या करें आप? आपके मोबाइल पर आए, आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। आप क्या कह रहे हो? ये फेक तो है, करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर लग जाए तो आपको तो फायदा है उसका कि नहीं? फायदा है ना, फायदा कैसा कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब आपके भाई का एक दफ्तर है जोर टर्म में, ठीक है ना, तो आपने उसके दफ्तर में जाकर अपना दफ्तर बना लिया, ठीक है, और आप ही इसको जरा अपने दोस्तों से यार इधर आना है, तुमने लोकेशन फॉलो कर दिया, ठीक है, हो जाएगी। लेकिन अगर वो कहे कि भाई प्रूव करो अपने आप को, फिर फंस जाएंगे। जिस जिस जगह पे वो अप्रूवल मांगेगा आपसे वहाँ फंसेंगे आप, जहाँ पर कुछ कहेगा नहीं आपको, चलता जा रहा है काम तो फाइन। अप्रूवल को मौके पे भी मांग सकता है, उसके बाद भी मांग सकता है, और आप उसमें रिव्यूज ऐड करा सकते हैं ना। अगर आप मतलब आप रिव्यूज ऐसे लोकेशनल रिव्यूज ऐड करवाएं लोगों से, 10 लोगों से रिव्यूज लें जो शो कर रहे हो जनाब मैं जोहर टाउन में जाता हूँ, अप्रूवल नहीं मांगा। हाँ नहीं मांगे, मतलब आपको बेसिकली गूगल को दिखाना है कि आप फेक नहीं बनवा लें, मतलब जीमेल आप फेक बना लें, उसी के अगर आप रिव्यूज देते हैं। लेकिन देखें रिव्यू, जब मैं इसकी डिटेल में आऊँगा, रिव्यू भी फेक नहीं होगा, रिव्यू भी आपको जेन्युइन है। मैं फेक रिव्यू किसको नहीं कह रहा, मैं फेक रिव्यू इसको नहीं कह रहा कि जैसे मैं आप तीनों से कहूँ कि आज रात को जाकर आपने मेरी इस लोकेशन पर आना है और मुझे रिव्यू देना है, तो इसका मतलब क्या, आप अपने घर में बैठ कर दोगे, आप अपने घर में या अपने घर में, तो ये फेक रिव्यू नहीं है, बल्कि ये जेन्युइन रिव्यू है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार फेक ईमेल बनाओ किसी सॉफ्टवेयर की मदद से और अपने मोबाइल से मुझे 20 रिव्यूज दो, ये फेक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई आपके घर में 5 मोबाइल हैं तो आपने 5 मोबाइल से मुझे रिव्यू देना है, ये फेक रिव्यू नहीं है, ठीक है। अगर एक ही मोबाइल से रिव्यू देने की कोशिश करेंगे या कोई सॉफ्टवेयर यूज करके ईमेल जनरेट करवाएंगे, ये फेक रिव्यू होगा, ठीक है, ये ट्रेस होगा, ये नहीं करना चाहिए हमें। अच्छा आ जाइए, अब इधर वापस गूगल में आए, चल गया नेट आपका। हाँ यहाँ से आप आएंगे मैप्स में, सबको मैप आ रहा होता है ना, ठीक है, मैप में आ जाओ। जी गूगल मैप में आ गए जी। अच्छा गूगल मैप में देखिए, यहाँ पर आपको पॉइंटर 2 नज़र आ रहे होंगे, आ रहे हैं जी। एक तो पहली बात तो ये जो नीचे वाला पॉइंटर है ना ब्लू, है ना पिन लोकेशन वाला, इसको जरा पहले दबाना है आपने। एक सेंटर में आ रहा है, सेंटर वाले की नहीं बात कर रहा, एक रेडियो बटन की तरह जो बना हुआ है ना, हाँ, जो इसको आपने पहले प्रेस करना है। मैं क्या पहले आपने इसको प्रेस करना है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये आपके मोबाइल में भी आ रहा होगा, मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये लोकेशन घूम के आ गई ना, एग्जैक्ट लोकेशन पर आ गया हूँ, इस वक्त मैं कहाँ हूँ, मैं चलना शुरू करूँगा ये लोकेशन भी चेंज होती जाएगी मेरी, ठीक है। अब आपने इसको प्रेस करके रखना है, ठीक है, ये जो ब्लू सा निशान नज़र आ रहा है, प्रेस करें, रेड निशान बन जाता है जी, आ गया स्टॉप आ गया, ऐड स्टॉप। अच्छा अब जैसे मेरे पास आ रहा है जी कराची मोहल्ला, सो मुख्तलिफ आ रहा है जिसने जो जो लोकेशन पिक की होगी, नीचे टेक्स्ट आ रहा था लिखा हुआ ऐसे देखें, नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है एक लाइन में, क्या टेक्स्ट है मेरा आ रहा है ओल्ड ऑफिसर ब्लू, मैंने सेव, ठीक है, इसका मतलब है ये भी लोकेशन है। मैं कह ये भी लोकेशन आ रही है, आपका क्या आ रहा है, ये देखिए आपके पास भी लोकेशन आ रही है, इसका मतलब ये होगा कि कोई बिजनेस नहीं आ रहा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने जो लोकेशन पिन की होती वहां पर ऑलरेडी कोई बिजनेस होता जैसे कि लोग, तो मैं तंग करता मुझे, फिर मैं थोड़ी सी अपनी लोकेशन को डिस्प्लेस करके ऐसी जगह पर जाता जहाँ को बिजनेस ऑलरेडी ऐड नहीं हुआ होगा। अच्छा अब मैंने क्या करना है आगे देखें, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है, स्क्रीन पर देखें मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे चैनल पर जाएंगे, उसका हैंडल है @NajeebAndSons, उसके अंदर प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें लिखा होगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यानी कि एक प्लेलिस्ट है जो मैंने जितनी दफ़ा भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ाया हुआ है लोगों को
स्टूडेंट्स को वो सारे लेक्चर उसमें ऐड होंगे। मेरा ख्याल है कि 10-12 घंटे होंगे, मतलब हर किसी का होगा। उसमें एक वीडियो होगी जो मोबाइल से बनी होगी, वो 3 मिनट की होगी, वो मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, ये वाला। मैं कहा ये है वो बेसिकली, मैं कहा वो यही रिकॉर्डिंग है सारी कि आपने कैसे बनाना है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप उस वीडियो को देखें, ठीक है। अच्छा, यहाँ आगे इसके आखिर में लिखा हुआ आ रहा है एड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री, सबसे आखिरी लाइन आ रहा है ना, आपने उस पर क्लिक कर देना, छोड़ डायरेक्शन वगैरह पे नहीं जाना, एड योर बिजनेस फॉर फ्री सबसे आखिरी ऑप्शन। हाँ जी, आगे अब आगे आपका कंपनी नेम आ रहा होगा, बिजनेस नेम आ रहा है नहीं, आप जो आ गए बेसिकली मोबी लिंक पर। अब ये वही मसला हुआ है जो मैं अभी बता रहा था। मैं क्या, अगर आप किसी बिजनेस लिस्टिंग पर आएंगे तो फिर आपकी लोकेशन तो ऐड नहीं होगी ना, क्योंकि वो तो उस लोकेशन को देख रहा है। तो इसको मैं एक स्टेप पीछे कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको दोबारा से प्रेस करता हूँ, ये आ गया। ये फिर मोबिलिंग सेल्स सर्वेंट है, अपनी बैक साइड पे जो है। अच्छा, मैं अभी बताता हूँ इसको, फिलहाल समझने के लिए क्या कर, समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, अब यहाँ ड्रॉप पिन आ गया, ये सिर्फ यहाँ पर जो इशू आ रहा है इस इशू को रिजॉल्व किया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये ड्रॉप पिन जहाँ आ रहा है इस पर क्लिक कर देना, जहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है ना आखिर में ड्रॉप पिन, नीचे डायरेक्शन पे नहीं, टेक्स्ट पे, बेसिकली आप समझ लो ये टेक्स्ट इसका मेन्यू है, मेन्यू ही खुल गया है ना आगे से सारा। आखिर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, एड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। अब आपका ऊपर आ रहा होगा बिजनेस नेम, आ रहा है ना। सो अब आप इसको अभी हम फेक करते हैं, लेकिन हमने इसको कंप्लीट नहीं करना, ठीक है, मतलब हम ये लोकेशन ऐड नहीं करेंगे, जब ये एंडिंग स्टेज पे जाएगी वहाँ पे मैं रोक दूंगा, मेरी बात समझ में आ गई, ताकि आप घर जाके बना सकें। बिजनेस नेम में अपना कोई भी बिजनेस नेम रख लें, मतलब फिलहाल सपोज करें आप डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी खोल रहे हैं, तो कोई भी अपने बिजनेस का नाम लिख के आगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिख दो। उसके बाद आगे क्या आ रहा है मुझे बताते नहीं, मैं बता जाऊंगा। बिजनेस कैटेगरी, हाँ जी, बिजनेस कैटेगरी का क्या मतलब है, अब बिजनेस कैटेगरी वेरी करती होगी, ठीक है। इस वक्त हम अगर अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल रहे हैं, तो आप यहाँ पर टाइप करो इंटरनेट, सिर्फ इंटरनेट टाइप करना है, फिर देखने क्या आता है। आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट क्या है, इंटरनेट लिखने का शुरू कहाँ से हुआ, पहला क्या है, इंटरनेट कैफे, नहीं आपने इंटरनेट पूरा नहीं लिखा, जी जी बिजनेस में क्लिक क्लिक करके ना, पहले मैं आपने नाम लिखा है ना, दूसरे जो कैटेगरी है ना वहां पर लिखो इंटरनेट, पूरा इंटरनेट लिखो। तो जैसे मैंने इंटरनेट पूरा लिखा, तो अब आप देखेंगे आपसे रेलिवेंट कौन सी ऑप्शन आ गई, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, ठीक है, इसको आप चूज करें। एक एक स्टेप आगे जाना है, दो स्टेप आगे नहीं जाना, ठीक है। हाँ जी, समझ में आइए आपको ये क्या कहना चाह रहे हो, मतलब कहते हैं क्या आप चाह रहे हैं कि आपकी लोकेशन ऐड हो और लोग आपके लोकेशन पर आए बिजनेस के लिए, मालूमात के लिए, यस कर देंगे हम इसको, करते हैं। व्हाट द एड्रेस जी, व्हाट द एड्रेस, अच्छा आगे क्या पूछा हुआ, अच्छा अगला उसने आपसे ऑप्शन लिया है कि आपका एड्रेस क्या है। अब गूगल ने आपसे एड्रेस कैसे लेना, दो तरह से लेना, एक एड्रेस तो आपको पता है आपने दिया है, कैसे दिया उसको, गूगल मैप पे जाकर, एक उसने आपका पोस्टल एड्रेस लेना है, ठीक है। सो इधर का जो भी पोस्टल एड्रेस बनता है वो टाइप कर कर सकते हैं, वो ये क्या है सदर गोल चक्कर है, तो इधर का तुम देखो। उसके बाद सेक्टर लिखा हुआ आ रहा है ना, सेक्टर को इग्नोर कर देना और सिटी में लाहौर लिख देना। सेक्टर का मतलब ये है कि जब हम सोसाइटीज में जाते हैं तो वहाँ सेक्टर्स बने होते हैं ना, तो इसलिए उसने सेक्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। और अभी उसके नीचे पोस्टल कोड भी आ रहा होगा, पोस्टल कोड अगर आपको पता है आपकी लोकेशन का एग्जैक्ट पोस्टल कोड,
तो वो टाइप कर दें, जैसे मैं कहता हूँ कि सदर का क्या है, कैंट का जो हो वो टाइप कर दो, अदरवाइज नहीं पता तो लाहौर का जो स्टैंडर्ड पोस्टल कोड है वो टाइप कर दो 54,000, यानी कि 54,000, ये लाहौर का स्टैंडर्ड पोस्टल कोड है, ठीक है। लेकिन अगर आप गूगल पर सर्च करें, मतलब गूगल पर सर्च करें कि पोस्टल कोड ऑफ लाहौर कैंट आ जाएगा, पोस्टल कोड ऑफ मुगलपुरा आ जाएगा, पोस्टल कोड ऑफ सराशहीद लाहौर लाहौर कैंट, एक पूरी लिस्ट आएगी लाहौर की और हर किसी का पोस्टल कोड लिखा होगा उसमें, ठीक है। सो आप जिस लोकेशन को ऐड कर रहे हो उसको ऐड करें, ठीक है, हो गया ऐड एड्रेस। आगे क्या पूछा है, पोस्टल कोड लिखने के बाद क्या पूछा है आपसे जी? हाँ, इसका मतलब ये है कि वो अब आपको एक लिस्ट दिखा रहा है बहुत सारे ऐसे लोगों की जिनकी प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है। कह रहे कि ये आपका इनमें से कोई बिजनेस है, तो हमने कहना है कि नहीं इनमें से कोई नहीं, हम नया बनाना चाह रहे हैं। ऑप्शन आ रही है नए बनाने के लिए, यानी इनमें से हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हम अपना नाम नया बिजनेस है हमारा। अब ये लोकेशन आ गई आपकी, नेक्स्ट कर दें, इसमें लोकेशन पिक की हुई है ना आपकी, नेक्स्ट कर दें। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज, इसका मतलब क्या, पहले वो क्या पूछ रहा था आपसे कि भाई आप लोग आपकी दुकान पर आते हैं, ये पूछा था उससे पहले। अब वो पूछ रहा है कि क्या आप लोगों के पास भी जाकर डिलीवरी देते हैं, सर्विस देते हैं, यस यस करते हैं। नहीं, अब देखिए डिलीवरी लेने का मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ ही लेनी है, मीटिंग करने आप जाते हैं ना, एज ए बिजनेस आप किसी से मीटिंग करने तो जा ही सकते हैं, तो आपको जी हम जाते हैं ताकि कोई बंदा आपको कॉल करके बुलाए, ठीक हो गया, नन ऑफ दीज, नेक्स्ट कर दो बस, दे दो। आगे लोकेशन हम कहते हैं ठीक है, ये लोकेशन अगर आपको लग रहा हो ठीक नहीं है, ठीक है, तो आप इसको दोबारा से यू क्लिक करें, आ गया, अब मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। आपकी ये लोकेशन हिल भी जाती है, ये देर में रखी है, गूगल लोकेशन आपने आज लगाई है 6 महीनों के बाद, मुझे अक्सर क्लाइंट्स के फोन आ रहे होते हैं कि ना वो हमारे गेस्ट आए हैं तो वो तो किसी और जगह पहुंचे हुए, लेकिन हिलने का मतलब ये भी नहीं होता कि वो जोर टाउन से DHA पहुंच जाते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा 19-20 हुआ होता है गूगल की इशू है, और फिर हमें उस लोकेशन को मुझे दोबारा देखना पड़ता है ठीक करने। आगे क्या आ गया, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज, यानी कि आप भी लोगों के दफ्तर में जाते हैं, जैसे मैं वो मीटिंग के लिए मुझे जाना पड़ता है तो मैं कहता हूँ यस कहता हूँ मैं, जो भी बिजनेस कर रहा है उसे सामान तो नहीं बेचता ना, सर्विसेज भी तो बेचता है, मीटिंग्स के लिए तो जाना है ना, आगे तो आप कह रहे हो डिजिटल मार्केटिंग का क्या बेच रहे हो, आप तो अपनी सर्विसेज बेच रहे हो। आगे आ रहा है ऐड के एरिया, हाँ, अब आगे एक और ऑप्शन आ रही है, कह रहा है गूगल अब आपको क्या कहता है, गूगल आपको कहता है कि भाई 20 किलोमीटर का एरिया, ठीक है, गूगल आपको कहता है कि आपने अगर प्रोफाइल बनाई है तो आप 20 किलोमीटर का एरिया जो है ना गूगल रिकमेंड करता है कि इतना कर दो, लेकिन आजकल के दौर में अगर हम देखें जितना पेट्रोल महंगा है तो 20 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, 20 किलोमीटर पे बंदे का अच्छा खासा पेट्रोल लग जाता है, तो वो कहता है आप टारगेट कर सकते हो, लेकिन अगर हम ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से बात करें तो हम तो कहते हैं 40 किलोमीटर वाले को भी हम नजर आए, क्या ख्याल है। अब यहाँ पर हमें अपनी लोकेशन ऐड करनी है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी कंफ्लिक्टेड लोकेशन ऐड करेंगे तो यहीं पर पकड़ लेगा हमको, कौन हो आप लोग इतना कुछ करने लगे हो भाई, इधर से उधर भी जा रहे हो, उधर भी जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, फिर वो आपसे ये भी पूछेगा जाते कैसे हो, मैं कहा फिर जो वेरिफिकेशन में आएगा ना वो कहेगा ना आप मिसाल के तौर पर मैंने एक एसेसरीज की शॉप खोली है, मैं लैपटॉप सेल करता हूँ, मैं कंप्यूटर सेल करता हूँ, ठीक है, सो मैंने कह दिया मैं इस्लामाबाद में भी सर्विस देता हूँ, मैं लाहौर में भी दे रहा हूँ, मैं गुजरांवाला में भी दे रहा हूँ, तो वो वेरिफिकेशन में जब जाएगा तो मुझसे पूछेगा जनाब आप सामान बेचते हैं, पहले तो अपना सामान दिखाएं क्या क्या बेच रहे हैं, कितने पड़े लैपटॉप्स आपके, कितने पड़ी हैं एसेसरीज, उसके बाद जब आप लाहौर से बाहर अपना सामान लेकर जाते हैं तो गाड़ी का ना वो गाड़ी भी दिखाएंगे जिस गाड़ी में रख के लेकर जाते हैं, तो बंदा जितनी ज़्यादा चीज़ें बताता जाएगा उतना ज़्यादा फंसता भी जाएगा उस चीज़, ठीक है। अभी फिलहाल हम ये कह रहे हैं, अभी हम सपोज कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं आप सर्विस कहाँ दे रहे हो, तो अभी फिलहाल हम चाहें तो लाहौर भी कर सकते हैं, और चाहें तो मैं ये भी कह सकता हूँ लाहौर कैंट, जौहर टाउन, मुगलपुरा, शालामार, ठीक है ना, मैं अपने नियर अबाउट जितने भी हैं अस्क्री टाइम जितनी लोकेशन में ऐड करना चाहूँ कर सकता हूँ, इसमें स्किप का ऑप्शन भी आ रहा है, स्किप का ऑप्शन आ रहा है इसमें, इसका मतलब ये हुआ अब ये अब मैं उस इन्फॉर्मेशन में आ गया हूँ जो चाहूँ तो अभी अभी फौरी तौर पर मैं उसे स्किप कर सकता हूँ कि जब मैं अपनी ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ तो उस वक्त जाकर मैं ये चीज़ें ऐड कर दूँ, ठीक है। अभी फिलहाल आप लाहौर लिख दो, यहाँ पर नेक्स्ट कर दो,
यही बात अभी मैंने आपसे कही थी ना कि अगर आपने अपनी वेबसाइट अप्रूव कराई होगी, अगर हमने अपनी वेबसाइट अप्रूव कराई होगी इसका क्या मतलब है, तो आप यूआरएल डाल सकते हैं, तो यूआरएल डालेंगे तो इतनी वेरिफिकेशन बोर्ड में भी नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि आपने वेबसाइट अप्रूव कराई हुई है तो आप 10-15 लोकेशन में उसी को इस्तेमाल करें, एक लोकेशन में आपके, तो फिर ये इशू नहीं होगा, वो भी आपके अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, सो अभी फिलहाल हम कह रहे हैं नो वेबसाइट छोड़ दें। हाँ, अब आ गया कॉन्टैक्ट नंबर पर, आ गया आप डालें अभी, लेकिन अभी हम इसको फाइनल नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहां पर आपने डालना है कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, डालें कॉन्टैक्ट नंबर, देखते हैं क्या होता है। डालने से मैसेज आया कि कॉल लिखा हुआ है, अपना अपना मोबाइल नंबर दें और फिर देखें मैसेज दे रहा है कि कॉल दे रहा है। हाँ जी, ये कॉल दे रहा है, ये देखें आप और ज़्यादा सिक्योर हो गया। कई जगहों पर टेक्स्ट का मैसेज भी आता है ना, तो उसको फील होता है कि कहीं टेक्स्ट से भी कुछ हैंकी पैंकी हो सकती है मेरे साथ। हाँ, तो मैं डायरेक्ट कॉल करूँगा। नंबर दे दिया आपने, कॉल का बटन दबा दें, देखिए क्या होता है, कोई फोन आता है आपको। हाँ, सुने यार, वॉइस ऑन करके सुने जरा क्या कह रहा है, जिसको कॉल आ रही है मैं सुने सुनाया जरा सबको, पता लग जाए ना क्या कह रहा है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो कॉल आनी है आपको, कॉल तो नहीं आई, मोबाइल पे फोन आएगा आपको, अगर आपने कॉल का बटन दबाया तो आपको फोन आएगा। आ गया ना, अच्छा आपकी बाबा की है, जरूरी नहीं पहली दफा में आए, एक मिनट गुजर जाएगा तो दोबारा कॉल आएगा, 30 सेकेंड जाएंगे इनके मोबाइल पे। ठीक है, नंबर यही दिया ना जो आपके हाथ में, और पहले इसके बहुत डिफरेंट मेथड्स होते थे। पहले इसका एक मेथड होता था कि ये आपको 18 डेज में कोड भेजेगा, 18 डेज में। अब वो कोड कहाँ आता था, बेसिकली वो कोड आपको आता होता था आपके पोस्टल एड्रेस पर, यानी कि इसकी ये सबसे बड़ी वेरिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन होती थी। मैंने ये एड्रेस ऐड किया ना, तो डाकिया खत लेकर आएगा, उस खत के अंदर कोड होगा, वो कोड मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, फिर वेरीफाई होगा। ठीक है, लेकिन ये इस मेथड्स को भी इन्होंने, अब देखें मैसेज आ गया नहीं आया, मुझे कॉल अभी आई, तो सर कॉल अगेन, अगर चेंज मेथड कर देंगे, चेंज मेथड में कोई और नहीं आएगा, यही आएगा फिर, कॉल ही है, कॉल ही है, इधर सिग्नल सही आ रही है ना कॉल के, सिम के, तो बस अब आपका काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आपको वेरिफिकेशन कोड पे करना है, अभी ये देख लेते हैं एक दफा और कॉल आती है नहीं, तो फिर इसको हम रोक देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पूरे 30 सेकंड 60 सेकंड पूरे होने दो। इसके बाद क्या होगा, कोड आएगा, कोड टाइप करेंगे, वो कोड बोलेगा गूगल की तरफ से, ऑटोमेटेड कॉल होगा। ठीक है, कॉल की सूरत में कोड होगा, यानी कि वो कोड आपने नोट कर लेना है कहीं पे, वो कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है। जब वो कोड यहाँ पर आप एंटर करोगे, ठीक है, कोड यहाँ पर एंटर हो गया, उसके बाद कुछ और ऑप्शनल स्टेप्स आएंगे, कहेगा भाई आपका ये जो बिजनेस है इसकी टाइमिंग्स क्या है। आता है ना जब हम कोई गूगल पे सर्चिंग करते हैं किसी जगह की, तो कई जगहों पे लिखा होता है जी दफ्तर तो क्लोज हो चुका हुआ है, या आने वाले आधे घंटे में क्लोज होने वाला है, कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है, तो ये हमने अपनी टाइमिंग बता दी है। तो इस तरह की हम सारी चीज़ें जब उसको बताएंगे, और कुछ आगे ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन आएगी, ज़रूरी नहीं है कि आप बनाते हुए वो दें, जैसे फोटोज को अपलोड करने को कहेगा, आपके मेन गेट की तस्वीर अपलोड करने को कहेगा, अगर आपके पास हो तो कर दें, नहीं है तो उसको स्किप कर दें। उसके बाद 2 दिन लेगा ये आपसे, ठीक है, यानी कि आपको कहेगा कि आपका नंबर वेरीफाई हो गया, अब वो आपके अकाउंट की क्वालिटी को चेक कर रहा है कि क्या आपने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है वो सब ठीक है कि फेक इन्फॉर्मेशन है। अगर तो उसको लगेगा ठीक है, तो आप गूगल पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये जितना काम हमने पढ़ा है, ये है सारे का सारा गूगल प्रोफाइल बनाना, सिर्फ बनाना है। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो होगा ऑप्टिमाइज करना, ठीक है, ऑप्टिमाइज कैसे करनी है। किसी को नहीं है एक और?